दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम लोग आपसे बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक नोटिफिकेशन की, जिसमें वो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसएसएफ और राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स यहां पर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। 2024 के नाम पर ये नोटिफिकेशन है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये पीएफ, एसएसएफ और फिर असम राइफल्स, इन सारे जगहों पर कांस्टेबल के ग्रेड की, जनरल ड्यूटी के ग्रेड की पोस्टिंग होती है। हर साल इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। इस साल के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन पिछले दिनों एसएससी ने रिलीज़ किया है। हालांकि आपने दूसरे चैनल्स पर ये सब चीज़ें देख ली होंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन 24/11 की डेट पर आ चुकी थी। कुछ चैनल्स ने इस पर नोटिफिकेशन की वीडियो भी बनाए हैं। हमारे चैनल पर मैं इसे थोड़ा सा देर से इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसी दरमियान बहुत सारे और नोटिफिकेशंस आए, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन आया था, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था। तो इन सारे नोटिफिकेशन के बीच मुझे लगा कि इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि आवेदन करने की जो तिथि है, अंतिम तिथि, वो आपको 31/12 तक मिल रही है। मतलब 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए विंडो खुल चुकी है 24 तारीख से। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो है वो 31/12 है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, अगर आपने 31/12 तक फीस पेमेंट नहीं किया है तो 1 तारीख तक भी आप इसे कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद डेट ऑफ विंडो ओपन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपने फॉर्म में कोई त्रुटि कर दी हो तो उसका करेक्शन अगर आप करना चाहें तो उसके लिए 4 तारीख से 6 तारीख तक, 2-3 दिनों के लिए, 4, 5 और 6, 3 दिनों के लिए ये फिर से विंडो ओपन होगा। आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस के साथ इसमें करेक्शन कर पाएंगे। शेड्यूल ऑफ सीबीटी, सीबीटी को आजकल सीबीई नाम दिया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये फरवरी मार्च में पॉसिबल है। टेंटेटिव डेट जो है वो प्रपोज्ड है फरवरी मार्च 2024 के फरवरी मार्च के महीने में, ये उम्मीद है कि इसकी जो परीक्षा है वो होगी। तो ये तो मैंने मोटा मोटा डेडलाइन आपको बता दिया, डेट शीट की बात की, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपको कब तक आवेदन करना है और क्या आपके एग्ज़ाम डेट्स हो सकते हैं, क्या आपकी फ़ीस पे करने की डेट है और किस तरह से आप अगर किसी गलती को सुधारना चाहें तो वो कर पाएंगे। आगे चलते हैं और दूसरी चीज़ों को इसमें देखते हैं। सीबीई के बारे में ये क्लियर करते हैं कि सीबीई जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, उसकी लैंग्वेज जो होगी हिंदी होगी। हिंदी के अलावा 13 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इन रीजनल लैंग्वेजेस में असमीज है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम होंगे। अब इसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात की गई है, डीएमई की बात की गई है, ये सारी चीज़ें आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा विस्तार से समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपसे जो काम काम की मोटी मोटी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है समझना, उन्हीं पर बात करूँगा। पे स्केल और नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको जान लेना ज़रूरी है। पे स्केल आपको मिलता है इसमें L3 का, 21,700 रुपये की बेसिक रहती है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कुल मिलाकर के 26,146 है। ये 26,146 जो वैकेंसीज हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। अगर आप बीएसएफ की देखें तो ग्रैंड टोटल बनता है 6,174, सीआईएसएफ के लिए आप देखें तो 11,025, सीआरपीएफ के लिए देखें तो 3,337, SSB के लिए देखें तो 635, ITBP के लिए 3,189, AR के लिए, असम राइफल्स के लिए 1,490 और SSF के लिए 296, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो आपको मिल रही हैं। ये अलग अलग डिवाइडेड है फीमेल और मेल में भी इसी तरह से। तो फीमेल का अगर मैं देखूं तो 2,799 है और मेल का देखूं तो 23,347 है। तो कुल मिलाकर के वैकेंसी 26,000 से ज़्यादा है जिन पर आप कम्पीट करेंगे। पे स्केल मैंने बता ही दिया कि L3 का मैट्रिक्स आपको इसमें मिल रहा है।
एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो मोटा मोटा खाका है वो ये है कि 18 से 23 के बीच का आपका एज लिमिट होना चाहिए, लेकिन उसमें जो छूट है, जो रिलैक्सेशन है, वो आप इस टेबल को देखकर समझ पाएंगे। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स आर 5 ईयर्स, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स आर कम्युनल राइट्स इन गुजरात 8 ईयर्स, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम 10 ईयर्स। और भी छूट के जो अलग अलग प्रावधान, उनको आप इस पीडीएफ के माध्यम से पढ़कर समझ सकते हैं। जो और दूसरे प्रावधान हैं आयु सीमा में छूट के, वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण पद होता है जिस जो इस विज्ञापन में हम खोजते हैं, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में स्पष्ट है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपको 10वीं क्लास मिनिमम पास होना ज़रूरी है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन दैट डेट विल नॉट बी एलिजिबल। डेट दिया गया है 1/1/2024 को। अगर 1/1/2024 तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप 10वीं या 12वीं की परीक्षा में बैठे हैं, और जो न्यूनतम योग्यता वाला मामला है, यानी कि मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास पास वाला मामला है, वो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। इस बात का ध्यान रखें, डेडलाइन इसमें बहुत क्लियर है, आप टॉप में देख सकते हैं 1/1/2024 है। और इसके अलावा इसमें और कोई दूसरा तो विशेष रूप से नहीं लिखा है, मुख्य रूप से 10वीं पास यही लिखा गया है। अब इसके बाद कुछ और एनसीसी के जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ बोनस मार्क्स हैं, 5% सी वालों को, 3% बी सर्टिफिकेट को, 2% ए सर्टिफिकेट को। हाउ टू अप्लाई का सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा किस तरह से आप आवेदन करेंगे, उसका पूरा एक प्रोसेस उन्होंने समझाया है। कुछ एनेक्सर्स भी दिए हैं, एनेक्सर 1A, 2A, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, इसमें ABC सेक्शंस में अलग अलग चीज़ों को समझाया गया किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। ब्लू इंक में आपको लिंक भी दिख रहा होगा ssc.nic.in का, उसे आप क्लिक करके सीधे वहां पर पहुंच भी सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो ₹100 आपको शुल्क लगना है इस परीक्षा के लिए। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो जो वुमेन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, उनको इस ₹100 की जो आवेदन शुल्क है उससे भी मुक्त रखा गया है। तो वो निःशुल्क रूप से फॉर्म भर सकते हैं, उनको किसी भी तरह के फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 11वें नंबर के पॉइंट पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की लिस्ट मिल जाएगी, आपको कहाँ कहाँ सेंटर हो सकते हैं इसकी पूरी सूची यहाँ पर मिलेगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अपने रीज़न के हिसाब से यहाँ से परीक्षा केंद्र को तलाश कर सकते हैं। मैंने इसको स्क्रॉल करके आपको दिखाया है, आप बड़े आराम से इस पीडीएफ में स्टडी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कहाँ कहाँ केंद्र है, कहाँ कहाँ आप परीक्षा देने के लिए चॉइस कर सकते हैं, तो वो बातें इसमें आपको मिलेंगी। अलग अलग जोन इन्होंने बनाया हुआ है एसएससी ने, जैसे मध्य प्रदेश का जो रीजन है उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, तो उसके अंदर भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, सागर है, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। आप ये चौथे बिंदु पर नज़र डालें तो एमपी और सीजी के कैंडिडेट्स के लिए इस रीज़न में जो जो आपके पास सेंटर्स हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रीजनल ऑफिस है उसका पता भी दिया गया है कहाँ पर है, 5th फ्लोर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग LIC कैंपस 2 पंडरी रायपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद बारी आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होगा उसमें CBE जो होगा वो किस तरह से होगा उसका फॉर्मेट मैं आपको समझा दूँ। इस CBE में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पैटर्न है, उसी में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 80 क्वेश्चंस उसमें होंगे, 80 क्वेश्चंस, और कैरिंग 2 मार्क्स ईच।
हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, और ये जो 80 मार्क का पेपर है वो कैसे डिवाइडेड रहेगा उसको समझते हैं। पार्ट ए जो होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क तक इसमें आप कैरी कर सकते हैं। पार्ट बी जो होगा वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का होगा। थोड़ा ध्यान दें, पहला जो सेक्शन मैंने बताया वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क आपको मिलेंगे। सी पार्ट जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है, जिसमें आपसे 10th के लेवल की मैथमेटिक्स की उम्मीद की जाती है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क यहाँ भी मिलेंगे आपको। और फिर डी सेक्शन जो है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 नंबर यहाँ भी मिल सकता है। कुल मिला के 1 घंटे का पेपर होगा, 80 अंक होंगे आपके पास। 80 क्वेश्चन का होगा और 60 मिनट का समय मिलेगा आपको। इस तरह से आप अपना जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो तैयारी करते समय ध्यान रखें। ये MCQ होगा, 4 सेक्शंस होंगे, 2 सेक्शन जो शुरू के हैं उसमें से पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है, दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है, जबकि तीसरा शुद्ध रूप से मैथ्स का है, क्वांट का सेक्शन है, और चौथा सेक्शन लैंग्वेज का है, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर की भाषा के बारे में बात करूं तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, द लैंग्वेजेस आर, जो भाषाएँ इसमें उपयोग में लाई जाएंगी, मतलब जिन भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे उनमें इनमें से किसी एक को आपको चूज करना होगा, हिंदी इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज में असमीज बंगाली गुजराती कन्नड़ा कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी उड़िया पंजाबी तमिल तेलुगु एंड उर्दू। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, आप उसको भी ध्यान में रखें। 0.25 मतलब 1/4 आपका निगेटिव कट जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। चूँकि परीक्षा एक शेड्यूल में चलती है, काफ़ी लंबी चलती है, इसलिए अलग अलग दिन अलग अलग पेपर होते हैं, तो पूरा पेपर हो जाने के बाद रिजल्ट को मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन दिस CBE आर नॉर्मलाइज्ड यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाय द कमीशन नोटिस थ्रू दैट डैश, एक नोटिस के थ्रू उन्होंने एक फार्मूला बनाया है, वो फार्मूला 7/2/2019 की डेट पर पब्लिश किया गया है, उस फार्मूला के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्वेश्चन के लेवल के बारे में वो लिखते हैं कि ये मैट्रिकुलेशन के लेवल का प्रश्न पत्र होगा, द क्वेश्चन इन द CBE आर ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, ये चीज़ें इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में स्पष्ट कर दी है। इसके बाद हम आगे बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, सिलेबस कुछ ये इस तरह से है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड होगा, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न होगा। ये आप अगर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हुआ या और दूसरी प्रवेश परीक्षाओं के जो तर्क शक्ति परीक्षण वाला जो सेक्शन होता है, कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता होगा, जिसमें विजुअलाइजेशन होगा, विजुअल मेमोरी होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, रिलेशनशिप होगा, अर्थमेटिक सीरीज होंगे, फिगर क्लासिफिकेशन होगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज होंगे, नॉन वर्बल सीरीज होंगे, तो ये कोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी पहले पार्ट में। दूसरा जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन होगा उसमें क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। तो सामान्य रूप से आपके एक सामान्य ज्ञान की जाँच इस सेक्शन में होगा। इसके अलावा आपको सुझाव दिया है उन्होंने कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक सीन जनरल पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की भी तैयारी आप कर लें। मैथमेटिक्स की बात करूं तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम कम्यूटेशन ऑफ होल नंबर डेसिमल्स फ्रैक्शंस रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट
मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस एंड रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं क्वांटा के वो सारे इसमें कवर अप हो रहे हैं। और चौथा जो सेक्शन होगा वो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। इन सब के बाद बारी आती है फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट के अपने स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट कर रखे हैं, आपको उनको पार करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको इस पीडीएफ को डिटेल में जा करके पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी स्क्रॉल कर देता हूँ, आप फुर्सत से इसको पढ़िएगा। क्या हाइट होनी चाहिए मेल फीमेल में, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा ये भी आपको दिया हुआ है इस टेबल में, और ये चेस्ट के मामले में है, हाइट के मामले में है, वेट के मामले में, सारा कुछ इसमें विस्तार से समझाया गया है। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस के बारे में भी उन्होंने पूरा डिटेल में इसमें बताया है। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ CBE, PST, PET एंड DME। इनको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर लास्ट में DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरह से एक चैनल होगा, उस चैनल के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। मित्रों इस PDF में, इस नोटिफिकेशन के PDF में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। ये PDF लगभग 56 पेजेस का है, तो उसकी सारी बातों को यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करना उचित नहीं होगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके लायक उपयोगी हो भी और ना भी हो। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें, समझ लें अच्छी तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, और उसके बाद फिर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सिलेबस वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।